हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा था एसिड बेस सॉल्ट। तो एसिड बेस सॉल्ट में हम सबसे पहले एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। सो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, देखिए, जब भी कोई एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और हम कह सकते हैं एसिड और बेस जब रिएक्टेंट्स होते हैं तो ये दोनों मिलकर जो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। जी हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम क्या समझ रहे हैं, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड ऑल्सो रिलीज सम एनर्जी। और क्या रिलीज होगी इस रिएक्शन में, एनर्जी। सो इस रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल ऑफ एसिड। सपोज अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक एसिड ले रहे हैं HCl। HCl कौन सी एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका रिएक्शन हो रहा है एक बेस के साथ में, और बेस हम यहाँ पर ले रहे हैं NaOH। जहाँ पर भी OH ग्रुप जुड़ जाता है वो क्या हो जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH जो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो देखिए क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट क्या होता है, नमक। तो नॉर्मली भी हम जो नमक हम खाते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं कंपाउंड्स में से। यहाँ पर जो Cl है और Na है, सोडियम है, ये दोनों इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में और क्या बना लेंगे, NaCl, जो कि हमारा सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। NaCl बन गया प्लस, अब क्या बचा, इधर एक हाइड्रोजन बचा और इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक एक एटम बचे, तो दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, H2O। तो क्या बन गया, वाटर। सो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लिख सकते हैं सॉल्ट एंड प्लस वाटर, और HCl हमारा एसिड था, NaOH हमारा बेस था। तो इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म हो रही है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम ये एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं ये किस नेचर के होते हैं, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं। कैसे सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रल, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर आप इसको सॉल्ट को अपनी हथेली पे रखते हैं, पाम पे रखते हैं, तो आपको कोई रिएक्शन फील नहीं होगी, लेकिन अगर आप एसिड्स को रखेंगे या बेस को रखेंगे तो आपकी स्किन बर्न होने लगेगी। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं वो कौन से सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं इस रिएक्शन में, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।